ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। महागठबंधन में कहीं कोई पेच नहीं है, ऑल इज वेल है। महागठबंधन महाविजय करेगा और 400 सीट पर महामजबूती से लड़ेगा। जो हमारे जेडीयू के माननीय विधायिका हैं वो आई है, अब उनको पूर्णिया लड़ने का है। तो अब शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा, कांग्रेस भी ये चाहेगा कि हम कौन सीटों पर जीते। लड़ाई बड़ी है तो इसलिए कहीं कोई चूक ना हो तो सारे सीटों पर 400 के 400 सीटों पर महागठबंधन का उम्मीदवार जीते, ये प्राथमिकता है। तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद मंगलवार की शाम ये कहा था कि एक दो दिन में सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस परेशान है। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। मृत्युंजय जी, आप लोगों ने कांग्रेस के पसीने छुड़ा दिए हैं सीट बंटवारे में, क्यों ऐसा कर रहे हैं? सहयोग ऐसा किसी को तो नहीं लग रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी कुछ नहीं कहा है। कांग्रेस पार्टी से नेचुरल सब दिन अलायंस रहा है आरजेडी का, और हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं सब दिन। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके हम चुनाव लड़े हैं, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। एक दो उदाहरण छोड़ दें तो इस बार भी कहीं कोई पेच नहीं। कल श्री तेजस्वी यादव जी ने मुलाकात की है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बैठक हुई है, और उन्होंने खुद ही कहा है श्री तेजस्वी यादव जी ने कि एक दो दिनों में ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे महागठबंधन में कहीं कोई पेच नहीं है, ऑल इज वेल है। महागठबंधन महाविजय करेगा और 400 सीट पर महामजबूती से लड़ेगा। जिनको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भरोसा दिया अपनी पार्टी का विलय करा पप्पू यादव ने, और आप लोग पूर्णिया दे नहीं रहे उनको। देखिए, पूर्णिया हो चाहे बिहार का कोई भी सीट हो, 400 सीट, उस सभी जगहों पर जो रणनीति है वो रणनीति के तहत ही, उसमें कौन लड़ेंगे। अब जो हमारे जेडीयू के माननीय विधायिका हैं वो आई हैं, अब उनको पूर्णिया लड़ने का है। तो अब शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा, कांग्रेस भी ये चाहेगा कि हम कौन सीटों पर जीते। लड़ाई बड़ी है तो इसलिए कहीं कोई चूक ना हो तो सारे सीटों पर 400 के 400 सीटों पर महागठबंधन का उम्मीदवार जीते, ये प्राथमिकता है। अब कौन सीट किसे जाएगा, कौन सीट किसे नहीं जाएगा, ये तो गठबंधन में ये सब होता रहता है। कभी कभी सीटिंग सीट या जिस पर आप लड़ना चाहते हैं वो सीट सहयोगियों को देना पड़ता है, सहयोगियों से लेना पड़ता है, तो ये सब गठबंधन की राजनीति में चलता रहता है। ये कोई अपने सीट को प्रेस्टिज इशू बना करके इसमें नहीं देखा जाना चाहिए, सब चीज़ का रास्ता निकल जाएगा। चलिए, सब चीज़ का रास्ता निकल जाएगा आरजेडी की तरफ से दावा है, लेकिन पेंच फंसा है और आरजेडी ये कह रही है कि देखना होगा कि कौन सहयोगी किस सीट पर जीत सकते हैं और इसी के मुताबिक सीट बंटवारा होगा। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण।